जिला कैथल के गांव नरड़ के एक विशेष समुदाय के लड़के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से विदेश में बैठकर सभी दलित जातियों को गाली देने का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जिला कैथल के तमाम अनुसूचित जाति के लोगों ने इसके विरोध में लघु सचिवालय कैथल में सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर इस व्यक्ति की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन उग्र था। दलित समाज की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन हरकत में आ गया और मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। मामले को बिगड़ता देख मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों ने भीड़ को शांत कराने की बेजोड़ कोशिशें की, लेकिन भीड़ उग्र थी। प्रशासन को ही अपने पैर पीछे हटाने पड़े। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन द्वारा लघु सचिवालय के अंदर जाने के रास्ते बंद कर दिए गए और पुलिस द्वारा भीड़ को रोकने के लिए कड़े इंतजाम भी किए गए, लेकिन वह भी नाकामयाब घोषित हुआ। दलित समाज के लिए लोगों ने काफी समय से पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देने की बात कही जा रही थी, लेकिन पुलिस अधीक्षक दलित समाज का ज्ञापन लेने नहीं आ रहे थे, जिससे गुस्साई भीड़ ने पुलिस अधीक्षक कैथल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। नारेबाजी करने के बाद पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार नीचे आए और दलित समाज द्वारा दिए गए ज्ञापन को लिया। वहीं उन्हें आश्वासन भी दिया गया कि इस व्यक्ति को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैथल से न्यूज वन हरियाणा के लिए बबल कुमार गागट की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर बलदेव सिंह, यहाँ पर पहुंचे प्रदेश महासचिव बीएसपी हरियाणा। एक बीमार मानसिकता के व्यक्ति ने दलित समाज की महिलाओं के बारे में और भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बारे में नॉन पार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। वो आपने शायद सोशल मीडिया पे देखा भी होगा, उसको सुना भी होगा। तो हम उससे दुखी हैं, रोषित हैं, आक्रोशित हैं और प्रशासन के पास ये अपील करने आए हैं ज्ञापन के माध्यम से कि उसको जल्दी गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सज़ा उसको दिलवाई जाए। सर, एसपी कैथल के खिलाफ भी लगातार नारेबाजी देखने को मिलती है। युवा हैं, जोश होता है, वो चाहते थे कि हम एसपी साहब को ज्ञापन देंगे, पर एसपी साहब पता नहीं क्यों रिलक्टेंट थे आने में, तो इसलिए साथ युवाओं ने जोश में आके, पता ही आपको युवा जोश में कुछ भी करने के लिए तो रहते हैं, परंतु हमने इसको फिर भी सभी साथियों को समझाया है, कंट्रोल किया है, ज्ञापन दे दिया गया है और जो आश्वासन दिया है उस पर हमारी माननीय एसपी साहब और पुलिस प्रशासन कार्य करें। एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्दी गिरफ्तार करेंगे उसको।